तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए, वीडियो एक कंटेंट और लेकर के आया हूँ मैं। तो हमारे पास एक सैमसंग का M30 मॉडल है, तो उसमें देखते हैं कि लगा हुआ है FRP। तो ये हमारे पास, ये देख सकते हैं, हमारे पास ये हमारे सैमसंग का M30 मॉडल है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ फ्रेंड। तो इसे हम करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि इसमें गूगल अकाउंट FRP लगी है कि नहीं। से करते हैं नेक्स्ट। तो देख सकते हैं, ओके। आप यहाँ पे अगर आप जैसे ही देखेंगे तो स्किप का बटन नहीं आ रहा है फ्रेंड, मतलब इसमें FRP लगी हुई है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है। कि जैसे आप इसमें वाईफाई कोई भी कनेक्ट करते हैं तो इसमें आपको जा करके गूगल अकाउंट देना होगा फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनली ये हमारे पास जो फ़ोन है, मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास फ़ोन M30। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिसमें आपको सारी चीज़ें, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी फ्रेंड। तो चलिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, अब वीडियो में बने रहें। फाइनली चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हमें इसका यूट्यूब खोलना होगा, तो वीडियो को अब लास्ट एंड तक स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा फ्रेंड, तभी जाकर करके आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम UMT के माध्यम से हम इसका यूट्यूब ओपन करते हैं। देख सकते हैं, ओपन यूट्यूब। तो हम यहाँ पे बाईपास पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप बाईपास पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, ये देखिए हमारा फ़ोन यहाँ पे डाटा केबल से रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सैमसंग ये हमारा हो चुका है, ये देखेंगे अभी। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो, फिर से वो मैंने टच कर दिया अलग जगह, कोई बात नहीं है। फिर से आप उसको बाईपास पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने दूसरी जगह टच कर दिया था फ्रेंड। तो बहुत ही ईजली तरीके से हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। और जैसे हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा, जैसे ही हमारा यहाँ पे कमांड प्रेस हो जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे अलाउ वाई, तो यहाँ पे व्यू कर देना है। व्यू जैसे आपने कर दिया तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा यूट्यूब आ गया। अब आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट एंड तक आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। तो गाइज, आपने देखा, हमने यहाँ पे यूट्यूब खोल लिया है। अब यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कर देना है नो थैंक्स। अब यहाँ पे आपको गूगल सर्च में जाना है। गूगल सर्च में जाने के बाद आपको लिखना है FRP फाइल, FILE। सिंपल सा है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। FRP फाइल पे आप जाएंगे और उसको पहले वाले साइड में आपको जाना है, बाईपास गूगल अकाउंट, इसमें आपको जाना है पहले वाली साइड में। तो जैसे आप पहले वाले साइड में गए तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप आ चुके हैं और यहाँ पे सेटिंग वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है। तो सेटिंग, ओपन सेटिंग में आप फटाक से चले जाएंगे। ये मैं आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप, बहुत कम समय में आपकी गूगल अकाउंट FRP बाईपास हो जाएगी। अब आपको जाना है फ्रेंड अकाउंट एंड बैकअप में जाना है। अकाउंट एंड बैकअप में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट स्विच का एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट स्विच का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसे आपको कर लेना है डाउनलोड। ये मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ फ्रेंड। सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप, आप इसे M30, M50 और भी कई सारे मॉडल्स में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा वैसे ही ओपन हो जाएगा। तो वीडियो को अब लास्ट एंड तक मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट एंड तक आप ज़रूर देखें। तो अभी जैसे हमारा डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड, तो ओपन हो जाएगा। फिर आपको एक फ़ोन चाहिए और उस फ़ोन में आपका स्मार्ट स्विच आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। सेम स्मार्ट प्ले स्टोर में जा करके आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। अगर सैमसंग फ़ोन होगा तो उसमें स्मार्ट स्विच ऑलवेज रहता ही रहता है, अगर अदरवाइज़ कोई फ़ोन होगा तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जा करके स्मार्ट स्विच आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फाइनली अभी हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, मतलब ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा फ्रंट ये ओपन हो जाएगा। तो मैं जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, मैं दूसरे फ़ोन में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने स्मार्ट स्विच डाउनलोड किया है, हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो ये फाइनली रखते रखते यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं, वेलकम टू स्मार्ट स्विच। अब यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये भी देख सकते हैं, ये डाटा हमारा आ चुका है फ्रेंड। अब मैं आपको दूसरे फ़ोन का भी दिखा दूँ डाटा, फिर उसके बाद मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इस फ़ोन में भी देखिए, हमारे पास एक फ़ोन है और मैंने भी यहाँ पे स्मार्ट स्विच यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देख सकते हो, अब यहाँ पे आपको लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। अब ये प्रोसेस आपको करना क्या है, अब आपको डाटा केबल को लगाना है एक दूसरे में OTG के माध्यम से, और यहाँ पे सारा स्टेप आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं डाटा केबल को इन करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, अब आपको यहाँ पे रिसीव करना है और यहाँ पे जाना है गैलेक्सी एंड्रॉयड और यहाँ पे केबल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंप्लीट है। तो एक बार आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि डाटा केबल को निकाल करके एक बार वापस से लगा देंगे। तो मैं डाटा केबल को वापस से लगा दिया हूँ, तो अब ये पेयर करेगा, देख सकते हैं अलाउ का ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पे अलाउ कर देंगे। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे डाटा, अब जो इसका जीमेल होगा वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेप, और यहाँ पे अभी अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो अब यहाँ पे हम कर देंगे। इसलिए मैं वॉइस के साथ वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है फ्रेंड। अब आपको करना क्या है, सबको अनटिक कर देना है और केवल आपको अकाउंट पे टिक करना है फ्रेंड। ये देख सकते हैं, मैं दोनों ही फ़ोन यहाँ पे पेयरिंग हमारे लगा हुआ है। अब आपको सबसे नीचे जाना है और करना है यहाँ पे ट्रांसफ़र। तो जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे भी कॉपी का एक ऑप्शन आएगा, ये बंद हो गया।
यहाँ पे अभी हमारा कॉपी का एक ऑप्शन आ गया, देख सकते हैं कॉपी का एक ऑप्शन आ रहा है। हमने जैसे यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये परमिशन मांग रहा है, हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है। अब ये जो इसका कॉपी है यहाँ पे फ़ोन में कॉपी हो जाएगा फ्रेंड बहुत ही ईजिली तरीके से। तो थोड़ा सा वेट करना होगा सारी चीज़ें यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता फ्रेंड, जो भी है जेनुअन वीडियो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी और अकाउंट हो रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो इस फ़ोन का जो पासवर्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है, जीमेल इस वाले फ़ोन का जीमेल आ चुका है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, पासवर्ड डाल देना है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड को इन कर दिया है, अब कर देंगे सिंग इन। तो जैसे ये देखिए फ़ोन को हमने जो भी प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ये देखिए अभी हो जाएगा, ऑल डन लिख करके आ जाएगा और बहुत ही इजीली तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप वीडियो में जो भी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ी सी ये करने में दिक्कत हो रही है, पर मैं वॉइस के साथ बना रहा हूँ। देख सकते हैं ऑल डन यहाँ पर हमारा हो चुका है, ये हमारा ऑल डन हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपल और सिंपल आपको गो टू होम पे क्लिक कर देना है। अब हमारा काम हो चुका है, इस फ़ोन का हमारा काम हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पे ऑल डन हो चुका है। तो अब इसको फ़ोन को हम कर देते हैं साइड में कर देते हैं, और इस फ़ोन को हम डाटा केबल निकाल देते हैं। अब कोई भी डाटा केबल का रोल नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं फाइनली कि जो हमारा काम था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे भी करते हैं एग्री, यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिए चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, बहुत ही इजीली तरीके से सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको करके इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा वही मॉडल है जैसा कि मैं आपको दिखा दूं जो आप शुरू से देख रहे हैं। तो चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे अभी आ रहा है। अब ये बहुत इजीली तरीके से हमारा हो चुका है बहुत कम समय में। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप मैं वॉइस के साथ डालता हूँ, जिसमें आप कभी भी, क्योंकि आप टैप करके देखेंगे तो शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही इजीली तरीके से हो चुका है, 100% जॉब डन। तो प्लीज़ फ्रेंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, स्मार्ट टेलीकॉम ये साइड में आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप जरूर दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो ये जस्ट से सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट करेंगे जस्ट अ सेकंड। तो मैं आपको लास्ट एंड तक दिखाऊंगा कि हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड। एक्सेप्ट यहाँ पे स्किप कर देंगे, स्किप एनीवेज कर देंगे, और यहाँ पे ओके कर देंगे, और ये आप फाइनली। बट फ्रेंड्स आपको जो भी है, मैं यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ अपने चैनल में, जो भी है हमारे चैनल में एक जेन्युइन वीडियो है आप तो देख सकते हो। तो वीडियो को आपने देखा लास्ट एंड तक, तो फ्रेंड इसके भी हम कर देते हैं नेक्स्ट, हालांकि आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बाईपास हमारा हो चुका है फ्रेंड, बहुत ईजी तरीके से बाईपास हमारा हो चुका है, अब कर देंगे नेक्स्ट हम कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे स्किप स्किप, और यहाँ पे फिनिश। तो ये हमारा ऑल डन हो चुका है, और जस्ट ए सेकेंड फिर से हो रहा है। तो अब ये सैमसंग का स्टार्टिंग का प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल डन हो चुका है, ये ऑल डन, ओके, यहाँ पे डन, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये कम्प्लीटली प्रोसेस हो गया है। अब हम इसे कर देंगे मिनिमाइज, और ये ऑल डन हो चुका है। तो फ्रेंड गाइस ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो बहुत कम समय में, आपका जो ये लगा है आपका सिंपल सा ट्रिक था, मैं हमेशा की तरह जो हाईलाइट करता हूँ तो एक हाईलाइट फटाफट कर देता हूँ। आपको सेटिंग में जाना था, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाना था, यहाँ पे स्मार्ट स्विच को डाउनलोड करना था, यहाँ पे फिर फ़ोन को भी स्मार्ट स्विच होना चाहिए, वहाँ पर भी आप डाउनलोड करके उसके केबल आपको अकाउंट को केबल अकाउंट कर को आपको यहाँ पे स्विच कर लेना है, ट्रांसफ़र कर लेना है, और बहुत ही ईजी तरीके से उसका अकाउंट इसमें आ जाएगा। आप पासवर्ड डाल करके बस ये आपका जॉब डन हो जाएगा, बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे हो चुका है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक आपको स्टेप बाय स्टेप वॉइस के साथ अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये वही फ़ोन है जैसा कि आप देख सकते हो, और आप हमारे चैनल में प्लीज़, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।